नमस्कार आप सबको, हम हैं आप सबकी अपनी चिकमिक। जानती हैं, माँ बनने का एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी, अपने खान पान की। जब हम माँ बने थे ना, तो हम तो बहुत ज्यादा पौष्टिक खाना खाते थे। हर दिन कभी साग, कभी दाल, कभी दूध, कभी दही, एकदम खा खा के रसगुल्ला हो गए थे। बस बस, अपने बारे में कम बताओ और कार्यक्रम के बारे में ज्यादा, समझी? बड़ बोला कहीं का, खाली नहा धोकर मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं का? खैर, तो दीदी लोग, आज के एपिसोड में हम लोग सुनेंगे कि गर्भावस्था के दौरान शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना पीना चाहिए। अरे आगे बेटा तुम लोग, तो क्या क्या कहा सैया दीदी ने? हाँ माँ, सैया दीदी ने बताया कि मेरा वजन और बढ़ना चाहिए और मुझे अपने खान पान में भी हर तरह की पौष्टिक चीजें खानी चाहिए। क्या वजन नहीं बढ़ा? जब से तुमने गर्भधारण किया है, हम तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम पहले से ज्यादा खाना खाओ, वजन बढ़े। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वजन कैसे बढ़ेगा तुम्हारा बहू। अरे माँ, तुम परेशान मत हो। अरे मोहन बेटा, भला मैं परेशान क्यों ना हूँ? अरे माँ, सैया दीदी ने हमें सब कुछ अच्छे से बताया है कि क्या क्या खाने से रजनी का वजन भी बढ़ेगा और पेट में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ होगा। सच में मोहन बेटा, अब हमको सब बात बताओ, तो क्या क्या करना होगा बहू के वजन के लिए? देखो माँ, सैया दीदी बता रही थी कि शरीर की सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए सभी तरह का भोजन लेना जरूरी है, जिससे रजनी का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसका खून भी बनेगा। अच्छा, तो सैया दीदी ने रजनी को क्या क्या खाने को बोला है? माँ, सैया दीदी ने बताया कि रजनी को रेशे वाला भोजन, जैसे कि जड़ तने वाली सब्जियाँ, शकरकंद, आलू, ओल, कच्चू, मक्का जैसी चीजें खानी चाहिए। पता है माँ, दीदी ने बताया कि ये सब चीजें खाने से रजनी को ताकत मिलेगी और साथ ही साथ कब्जियत की भी शिकायत नहीं आएगी। अरे वाह, और क्या क्या बताया सैया दीदी ने? माँ, सैया दीदी ने ये भी बोला कि रजनी को मौसमी दाल जैसे चना, मूंग, कुर्थी, अरहर, राजमा और सोयाबीन भी खाना चाहिए। इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ में बादाम, अखरोट, तिल, सूरजमुखी, कद्दू और कोहड़ा का बीज भी खाना चाहिए। इन सब से हृदय रोग नहीं होता है। अच्छा मोहन बेटा, सैया दीदी ने दूध या दूध से बना खाने को कुछ नहीं बोला? सैया दीदी ने दूध या दूध से बने भोजन जैसे छेना, दही, मट्ठा लेने को भी बोला है, जिनसे कैल्शियम और प्रोटीन प्राप्त होता है और जो शिशु के दांत एवं हड्डी बनाने और माँ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और साथ ही मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे चना, पालक, लाल साग, सहजन का साग, फूल गोभी और मूली का पत्ता जैसी चीजों को खाने को बोला है। पता है माँ, इन सब से गर्भवती माँ और गर्भ में शिशु को संक्रमण नहीं होता है और खून भी बनता है। अब देखना बेटा, अब से मैं रजनी को ये सारी चीजें खिलाऊंगी और जब अगली बार तुम लोग स्वास्थ्य केंद्र जाओगे ना ANC चेकअप के लिए, तब देखना रजनी का वजन जरूर बढ़ा होगा। और हाँ रजनी, अब से मैं जो तुम्हें खाने को दूंगी वो सभी चीजें तुम्हें खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? हाँ माँ, खा लूंगी मैं। गजब, तो समझे ना दीदी, पौष्टिक खाना खाने से माँ के साथ साथ गर्भ में शिशु को भी ताकत मिलती है और शरीर में खून भी बनता है। धन्यवाद।